हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। तो बेसिकली ये एक एसईओ का पार्ट है और ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने एक कीवर्ड रिसर्च का एक वीडियो बनाया था और ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं वो उसका एक वीडियो बनाया है। और अभी ये इसके नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट सीरीज का वीडियो है ये ऑफ पेज एसईओ कैसे करें। तो ओवरऑल ये एसईओ का पूरा कंप्लीट एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप अगर ये तीनों वीडियो मेरे देखेंगे तो आप पूरा एसईओ सीख जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ के ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ताकि मैं आपको और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो SEO का मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट पे वर्कआउट करके गूगल के सर्च पोजीशन सर्च रिजल्ट पर ये टॉप पर लाने का काम करता है। बेसिक SEO इसको कहते हैं और इस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद ये रिजल्ट आता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करें, प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपकी वेबसाइट टॉप पर आ सके, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें करना रहता है। बेसिक मैं आपको बोलता हूँ, ऑन पेज एसईओ जो रहता है वो हमारी वेबसाइट पे रहता है, उसका जितना भी वर्क है, टाइटल टैग हो, मेटा टैग हो, उसका कंटेंट हो, उसके अंदर फोटोग्राफ्स हों और वेबसाइट का स्पीड हो, वो सब उस पर रहता है। और ऑफ पेज एसईओ के हमारी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पर शेयर करना रहता है, यानी हमें बैकलिंक चाहिए रहता है। ये बहुत काफ़ी एक्टिविटीज़ है और उसके थ्रू ये आता है। तो मैं यहाँ पर आपको वन बाई एक्टिविटीज़ लेकर चलता हूँ। सबसे पहला हमारा आता है सर्च इंजन सबमिशंस, कि जैसे ही हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो हमें हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन में सबमिट करना रहता है। और टॉप के जो आजकल के वेबसाइट सर्च इंजन है वो गूगल, याहू, बिंग, ये तीन सर्च इंजन टॉप पर हैं जिसपे ज़्यादा विजिटर्स सर्च करते हैं। तो आपका वेबसाइट जैसे ही कंप्लीट हो या कोई भी नया पोस्ट आप लिखते हैं, कोई नया पेज बनाते हैं, वेबसाइट में अपडेट करते हैं, तो सर्च इंजन में आपके वेबसाइट का वो URL उसको सबमिट करिए। वो यहाँ पर कैसे सबमिट करते हैं वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पर ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आप गूगल में सर्च करेंगे सर्च इंजन सबमिशन, आगे आप लिख लीजिए गूगल, गूगल सर्च इंजन सबमिशन हम कर दें। तो आपको पहले ही रिजल्ट मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना है, ये सर्च इंजन सबमिशंस है, जैसे ही आपकी वेबसाइट रेडी हो जाता है उसका URL आपको कॉपी करना है, HTTP है, S है, WW है, विदाउट WW है, और उसको सबमिट करना है। तो ये एक छोटा सा टास्क है, आपका साइट जैसे ही कंप्लीट होता है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबमिट करना है। आपको ये लॉगिन डिटेल्स पूछेगा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये चीज़ का आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपका साइट जैसे ही रेडी हुआ सर्च इंजन सबमिशन हो गया। अभी सेकंड इसमें आपका ऑप्शन आता है ऑफ पेज एसईओ के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आपको भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है आपके वेबसाइट से रिलेटेड, और जो मेजर फेस सोशल नेटवर्क साइट है वो है फेसबुक है, लिंक्डइन पे आपका अकाउंट क्रिएट करिए, पर्सनल कंपनी का पेज बनाइए, ट्विटर पे आप अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करिए, गूगल प्लस पर आप अकाउंट क्रिएट करिए, पेज बनाइए, और ये चारों जो मेजर सर्च सोशल नेटवर्क साइट्स हैं जिसपे लाखों विजिटर्स आते हैं, आपका
URL आपकी वेबसाइट का लिंक जब इस पर शेयर करेंगे तो लाखों लोग आपके देखते हैं और वहीं से आपका ट्रैफिक डाइवर्ट होके जाता है। तो ये एक्टिविटी कैसा है, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ में सोशल साइट्स पर रेगुलर ट्रिलियंस बिलियन और ट्रिलियंस उस पर लोग विजिट करते हैं, सर्च होता है और वो चला जाता है। तो रेगुलर आप आपकी साइट्स को सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर करिए ताकि आपकी वेबसाइट का लिंक सोशल साइट्स पर पहुंचे और वहां से लोग जब क्लिक करके आपकी साइट पर जंप करके आते हैं तो आपकी साइट का प्रायोरिटी बढ़ता है सर्च इंजन की रैंकिंग में। जब कोई भी सर्च इंजन देखता है कि ये विजिटर जो हुआ है वो किसके थ्रू आया है या कहाँ से आया है, तो जब उसको पता चलता है कि ये दूसरी साइट से विजिट होकर आया है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर से, तो आपकी साइट का प्रायोरिटी, आपकी साइट का वैल्यू और आपकी साइट का रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो दोस्तों आपका जब भी वेबसाइट रेडी हो, कुछ अपडेशंस हो, कुछ नया पेज बने, ब्लॉग पोस्ट लिखें, तो आप सोशल साइट पर ज़रूर शेयर करें। और सोशल साइट पर कैसे शेयर करना है, आई थिंक ये तो बहुत इजी है आपको, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं वापस से आया, मैं अपना फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों आपको आपकी साइट का यूआरएल यहाँ पर टाइप करना है सिंपल। जैसे ही आप यूआरएल टाइप करते हैं, आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी सोशल नेटवर्क साइट होगी वो आपकी साइट का मेटा टैग, टाइटल टैग और मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रीड कर लेगा और आप उसको जस्ट सिंपली पोस्ट कर दीजिए। तो अब जितने भी लोग यहाँ पर आपको देखेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट पर रिडायरेक्ट होकर जंप आते हैं और गूगल इसी को रीड करता है कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स कहाँ से आए। रखिए जैसे ही आपका वेबसाइट रेडी हो आप उसको ज़रूर शेयर करें। एक डायरेक्टरी सबमिशंस आता है, आप जब आपका साइट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको मल्टीपल डायरेक्टरीज में सबमिट करिए आपका यूआरएल ताकि वहां से भी आपको विजिटर्स आने लगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल बुक मार्किंग। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर साइट्स जो रहती हैं उस पर आपकी साइट का यूआरएल जाता है, जैसे स्टम्बल अपॉन है, डिग्गी है, डिलीशियस है, रेडिट है। इस पर जब आप आपकी साइट का यूआरएल शेयर करते हैं तो यहाँ पर लाखों लोग, लाखों इनके यूजर्स हैं जो डेली विजिट करते हैं, रीड करते हैं और वहाँ से जब वो आपका कंटेंट देखेंगे तो वो आपकी साइट पे आएंगे। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के ये तीनों जो अभी तक के पॉइंट हैं वो ऐसे हैं कि आप अपनी साइट को स्प्रेड जितना करेंगे, जितना दूसरी जगह तक फैलाएंगे, जितना दूसरी साइट से लिंक करेंगे, वहां से आपको विजिटर्स मिलना चालू होंगे और आपकी साइट का रैंकिंग बढ़ता जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिकल सबमिशंस। आपकी अगर वेबसाइट है, आप कोई सर्विस देते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट, उस सर्विस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, तो वो आप दूसरी जगह पर शेयर करिए, दूसरी जगह पर पोस्ट करिए, दूसरी साइट्स पे सबमिट करिए। यहाँ पर जो मेजर साइट्स हैं मोस्टली जो है हब पेजेस है, ब्राइट हब है और इजाइन आर्टिकल्स है, मैंक पोर्टल है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर आप आपके आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं फ्री में। तो ये आपको सर्च करना रहेगा कि कहाँ पर कौन से वेबसाइट्स, कौन से पोर्टल्स आर्टिकल रिसीव करने के लिए रेडी है फ्री में। तो जैसे ही आप आपकी साइट का पे आर्टिकल लिखेंगे, आपकी साइट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ इनके जितने भी यूजर्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और आप तक पहुँचेंगे और इसी के थ्रू आपका जो रैंकिंग है, आपका डोमेन अथॉरिटी है, वो इंक्रीज होगा। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो सबमिशंस। तो ये भी उसी के जैसा है कि आप आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विस का, कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस बारे में, एक शॉर्ट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको आप यूट्यूब पर, वीमो पर, ब्रेक डॉट कॉम पर और डेली मोशंस, ये वीडियो के डायरेक्टरी है, वीडियो के पोर्टल्स हैं, इस पर आप सबमिट करिए, आपकी साइट का यूआरएल दीजिए, लिंक दीजिए और इस पर भी लाखों विजिटर्स आते हैं। यूट्यूब का मैं एग्जाम्पल दूँ, ट्रिलियन ऑफ सर्च है,
रोज का हर इंसान 1 घंटे का एवरेज के हिसाब से व्यू करता है, वेदर वो करे या ना करे, एवरेज व्यू है 1 आवर्स का डेली। तो इधर से जब विजिटर्स आपके वीडियो, आपके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे और जब आपका डिस्क्रिप्शन में आपके वेबसाइट का लिंक होगा, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपका लीड जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग भी सिमिलर आर्टिकल सबमिशन जैसा है, गेस्ट पोस्टिंग पर भी लाख जो रिसीव करते हैं गेस्ट पोस्टिंग, वहां पर उनके लाखों लाखों विजिटर्स रहते हैं और वो जब आपके गेस्ट पोस्ट आपके पोस्ट को आपके इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तब भी वो आपके रिडायरेक्ट होते हैं। और गेस्ट पोस्टिंग जो होते हैं उनकी वेबसाइट का रैंकिंग हाई होता है और ऊपर भी जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका रैंकिंग हाई होता है और आपकी वेबसाइट पर जब वो लिंक करते हैं विजिटर को, ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करते हैं आपकी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी जो है वो यहाँ से बढ़ता है। तो गेस्ट पोस्टिंग के बारे में है कि आप गेस्ट पोस्टिंग कैसे करें, पॉइंट्स मैंने 3 लिखे हैं। आपका गेस्ट पोस्टिंग रिलेवेंट ब्लॉग्स रहना चाहिए, अगर आप ए टाइप का सर्विस दे रहे हैं तो ए टाइप से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट पर ही, पोर्टल्स पर ही गेस्ट पोस्ट करिए। और दूसरा आपको चेक करना रहेगा कि आपके कंपटीटर्स का बैकलिंक्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी आप बोलेंगे बैकलिंक्स क्या है, ये जितनी भी एक्टिविटी आपने की है यहाँ पर ये सब बैकलिंक्स क्रिएट करने वाली चीज़ है, आपकी वेबसाइट का लिंक उनकी वेबसाइट पर जाता है तो वो बैकलिंक्स कहलाता है। और ये देखिए कि जिस साइट पर आप गेस्ट पोस्टिंग पोस्ट करेंगे वो उनके कंपटीटर कौन कौन से हैं, उनके बैकलिंक्स कितने हैं, वो एक्टिव डायरेक्टरी है या नहीं है, और वो ऑफर कर रहे हैं बैकलिंक या नहीं, वो पेड है या फ्री है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो दोस्तों ये तो आपका ऑफ पेज SEO की टेक्निक्स है, एक्टिविटीज़ है। अब इसमें यूनिकनेस क्या कर सकते हैं कि आप जितना स्पीडली जितना यूनिक कंटेंट आप आपके विजिटर्स को सोशल मीडिया पर देंगे, कुछ अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स के साथ, कुछ अट्रैक्टिव स्लोगन्स, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स, तो इतनी ही ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट को देखेंगे, आपके पोस्ट को देखेंगे, फिर आपके वेबसाइट को देखेंगे, एक दूसरे में आपस में शेयर करेंगे, आपका शेयर बढ़ेगा और आपका इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया में भी बढ़ेगा। तो सब सारी चीज़ें यही है कि आप कितने ज़्यादा बैकलिंक्स आप बना सकते हैं उतने ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया है और एक मैंने आपको 2 ही एग्जांपल दिखाए, बाकी का कैसा है कि सब में अकाउंट क्रिएट कर करके ये पोस्टिंग करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पहले 2 वीडियो देखिए, कीवर्ड रिसर्च और ऑन पेज SEO, और फिर ये इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू या मेरे सोशल चैनल पर, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको ऑलवेज हमेशा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट अवेलेबल रहती है, मैं अक्सर लोगों को सपोर्ट करता हूँ तो आपको भी सपोर्ट मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।